पांच वर्ष पहले इंदौर के विधानसभा तीन से विधायक रहते हुए आकाश विजयवर्गीय पर निगम के भवन अधिकारी पर बल्ला चलाने का आरोप लगा था, जिसके बाद विधायक रहते हुए आकाश विजयवर्गीय को जेल भी जाना पड़ा था। पूरे मामले में एसपी एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य न मिलने के चलते पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय सहित 10 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। फैसला बहुत बढ़िया रहा, सबको जैसे मालूम है कि आकाश विजयवर्गीय को बरी कर दिया गया। आकाश विजयवर्गीय और उनके साथ अन्य समर्थकों को सबको बरी कर दिया गया। सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उनके ऊपर ये मुकदमा बनाया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा किसी के भी खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं पाई गई, इस आधार पर सभी को बरी किया। इसमें टोटल 11 आरोपी थे, एक आरोपी की बीच में मृत्यु हो गई थी, तो 10 आरोपी रह गए थे जिनको माननीय न्यायालय द्वारा 10 को बरी किया गया। इसमें निगम अधिकारी, पुलिस वाले और उस समय घटनास्थल पर मौजूद जितने लोग थे उन सबके बयान हुए हैं। गौरतलब है कि 26 जून 2019 को नगर निगम का अमला गंजी कंपाउंड में जर्जर मकान को तोड़ने पहुंचा था। इस दौरान निगम अधिकारी से पहले विधायक की कुछ कहा सुनी हुई थी। उसके बाद आक्रोश में आकर क्रिकेट बैट से पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने निगम अधिकारी की पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआना न्यूज, इंदौर।